अक्सर हम जब खाली बैठते हैं तो सोचते हैं कि अगर कुछ इत्तेफाक यू टर्न लेकर हुए होते तो आज तारीख कैसी होती। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है और मुझे उनकी ज़िंदगी के 3 इत्तेफाक याद आ रहे हैं जिन पर 2 कॉमा और 1 फुल स्टॉप लगे मौत की वजह से। डॉक्टर लोहिया जर्मनी से PhD अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रिसर्च सबमिट कर दी थी। टॉपिक था गांधी का नमक सत्याग्रह। वापस आए, देश की आज़ादी के आंदोलन में जूझ गए। बहुत योगदान रहा उनका, खासतौर पर जब 9 अगस्त की क्रांति के बाद सारे बड़े नेता जेल में चले गए थे। लोहिया कई वर्षों तक आज़ादी का रेडियो चलाते रहे, पैम्फलेट बांटते रहे और आंदोलन को भूमिगत रूप से चलाते रहे। मगर हालात बदलते हैं 1947 के बाद, जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी जो अब तक नेहरू का मेंटर था, पथ प्रदर्शक था और जिसने नेहरू को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी थी, वो नोआखली में भटक रहा था। दंगे हो रहे थे और उस वक्त उनको उम्मीद की आस दिखी एक और नौजवान में, जिसे सत्ता के सुख दिखाई देने शुरू नहीं हुए थे, और उस व्यक्ति का नाम था राम मनोहर लोहिया। मुझे याद आ रहा है, जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा, 28 जनवरी 1948 का दिन। लोहिया ने खुद अपने तमाम दस्तावेजों में इस बातचीत का जिक्र किया है, जब गांधी ने उनसे कहा कि अब कांग्रेस आगे कैसे चले, देश के नवनिर्माण का आंदोलन कैसे शुरू हो, इसको लेकर मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्यों ना आज तुम यहीं रुक जाओ। लोहिया उसी कमरे में सोए जहां पर गांधी सोए थे। दोनों को तड़के सुबह उठकर बात करनी थी मगर बात नहीं हुई। दिन में जब लोहिया की गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि बापू आपने बात क्यों नहीं की, और गांधी का अपनी उस वत्सलता के साथ जवाब था कि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। अगर आपने तारीख पर गौर किया हो, 28 को बात होना तय हुआ था, 29 को बात हुई और फिर तय हुआ कि 30 को बात होगी, और 30 को बात करने के लिए जब लोहिया दिल्ली के बिड़ला भवन की तरफ जा रहे थे, उनको खबर मिली बापू नहीं रहे। ये पहला कॉमा है इस राजनीतिक इत्तेफाक के 3 वाक्यों का। और अब मुझे याद आ रहा है दूसरा इत्तेफाक, साल था 1956 का। लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले तमाम गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट कर रहे थे, मगर उन्हें एक चीज़ बार बार अखर रही थी, इस सारी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में जो वो अंतिम आदमी है जिसकी गांधी बार बार बात करते थे, वो कहाँ है, दलित कहाँ है, दलित की नुमाइंदगी करने वाले सही आवाज़ और चेहरे कहाँ हैं। और तब उनका ध्यान डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ गया। डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन चलाते थे। ज़ाहिर है कि कांग्रेस ने उनकी राजनीतिक मिट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो मुंबई से चुनाव भी हार चुके थे। और तब लोहिया उनसे मिले और दोनों लोगों ने जमकर बात की। नई पार्टी की नीति, कार्यक्रम, मसौदा, उसका सांगठनिक ढांचा, और ये तय हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर इस नए राजनीतिक दल की अगुवाई करेंगे। एक कॉमा फिर आया और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। और ये तीसरा और आखिरी वाक्या जो बेहद ज़रूरी है आप लोगों को जानना और याद रखना, ये वो दौर था जब कांग्रेस को पहली बार बुरी तरह झकझोर दिया गया था। साल 1967, जब देश में एक साथ 9 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। नेहरू का दौर बीत चुका था, नेहरू की बिटिया सत्ता पर चिपकी हुई थी, लेकिन वो संगठन और उससे भी बढ़कर जनता पर अपनी पकड़ खोती जा रही थी। ऐसे वक्त में लोहिया को ये ख्याल आया कि अगर वाकई गांधी की विरासत को नए सिरे से आगे बढ़ाना है तो एक ऐसे व्यक्ति को सिरमौर बनना होगा जो गांधी की नैतिक चेतना को धारण करता हो, मनसा वाचा कर्मणा। तब उनका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया जिसने 14 साल पहले उनको सोशलिस्ट पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण उस वक्त सर्वोदयी आंदोलन में सक्रिय थे, विनोबा भावे के साथ थे, तमाम दस्युओं का आत्मसमर्पण करवाने की भूमिका रच रहे थे, लेकिन राजनीति से, सक्रिय चुनावी राजनीति से कोसों दूर थे। लोहिया ने JP को विस्तार से समझाया मान मनवल की, और तब भारतीय राजनीति के गैर कांग्रेसवाद के 2 कुजात गांधीवादी, या कहें कि शलाका पुरुष, एक साथ आने के लिए राजी हुए। मगर यहाँ पर एक बार फिर मौत को
अपना फुल स्टॉप दर्ज करना था। मौत ने एक बार फिर दस्तक दी और 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मौत हो गई। उस अस्पताल का नाम RML यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। अक्सर हमें ये लगता है कि यूं होता तो क्या होता, और मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर इन राजनीतिक इत्तेफाकों में से किसी एक ने भी जिंदा शक्ल पा ली होती तो क्या सियासत वैसी ही होती जैसी आज है।